हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो संसार की तरफ दौड़ती हैं, संसार की तरफ भागे जा रही हैं। शरीर का अर्थ ही संसार है। शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब संसार, भव सागर कहा गया है इसे। जैसे रथ में घोड़े लगे हैं, घोड़े रथ को खींचते आगे बढ़ाते हैं, रथ में लगे घोड़े रथ को आगे खींचते रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती जा रही हैं, आगे बढ़ाती जा रही। पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी, जिनसे हम कर्म करते हैं, कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। हम शरीर तक सीमित तो नहीं, हम शरीर तक सीमित तो नहीं। शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है, ईश्वर की कृपा से। मैं बराबर कहता हूँ, ये मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है, ये मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है, क्योंकि इसी मानव जीवन से हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। सद्गुरु कृपा का आधार चाहिए, महापुरुषों की संगति चाहिए। शरीर हमें मिला है, हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। माँ के गर्भ से कष्ट भोग कर, माँ के गर्भ में उल्टे लटक कर, मल मूत्र से भरे हुए शरीर में घोर अंधेरे में हम उल्टे लटक गए। न जाने कितनी बार गर्भस्थ शिशु गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। माँ से कई गुना ज्यादा वो कष्ट भोगता है गर्भ में। प्रभु से प्रार्थना करता है, निकालो बाहर, अंधेरा हमें पसंद नहीं है, अरे हम प्रकाश के साथ ही रहना चाहते हैं, प्रकाश हमें प्रिय है, अंधेरा नहीं, अंधेरे में किधर जाएंगे। अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। तो जहां अंधेरा है, जहां अंधकार है, वहां केवल अंधेरा रहता, तो चलो अंधेरा है।
केवल अंधेरा नहीं है वहाँ, वहाँ अंधेरे के साथ भय है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ केवल अंधेरा नहीं है। केवल अंधेरा रहता तो चलो अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा है, वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। केवल अहंकार है तो चलो अहंकार है, अरे नहीं, उसके साथ ईर्ष्या है, उसके साथ द्वेष है, उसके साथ कलह है, कपट है, मैं और मेरा की भावना है। अहंकार, अहंकार जैसे अंधकार, अंधकार अहंकार। वो प्रार्थना करता है कि प्रभु बाहर निकालो, आपकी भजन करूंगा, गर्भ माही कौल किन्हा प्रभु के भक्ति की। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा, संसार सागर में है ये आत्मा अनादिकाल से, कोई गिनती नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, संसार के विषय वस्तुतः दुख रूप ही हैं, संसार के विषय दुख रूप हैं, दुख सागर है, ये भव सागर है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह, मेरा तेरा, मैं तू यह वह, वास्तविक अहम का तो बोध नहीं, जो मैं हूं वास्तविक रूप से उसका अनुभव नहीं, उसका बोध नहीं, जो अवास्तविक अहम है, जो अवास्तविक अहम है वही मैं। कौन मैं? जो अवास्तविक अहम है, जो मिटने वाला है, जो बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चली आ रही है। अनंत अनंत बार हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया, एक बार प्राण छूटा है, अनंत अनंत बार ये शरीर छूट गया, मृत्यु का क्या भय होता है, मृत्यु की कैसी पीड़ा होती है, ये संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, हमारे चित्त में ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगाया है, अनंत अनंत जन्मों के सुख के दुख के भोग के संस्कार हमारे चित्त में, हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। जन्म की क्या वेदना है, और मृत्यु में कितना कष्ट मिला, प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला, हमने इसका अनुभव किया है, हमने इसका अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, वो घबरा जाता है,
वो प्राणों पर आए संकट को तत्क्षण ही दूर करना चाहता है। क्यों? प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला है। एक बार तो ये कष्ट मिला नहीं है, अनंत अनंत बार मृत्यु के दुख का हमने अनुभव किया है। मन माया मरती नहीं, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। शरीर उत्पन्न होता है और जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है, जो कुछ भी विश्व में उत्पन्न होता है वह अपने कारण में चला जाता है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। छह प्रकार की गतियां हैं जो शरीर के साथ हो रहा है और शरीर के साथ है इसका अर्थ है कि संसार के साथ है। शरीर मतलब ही संसार, शरीर मतलब संसार। जो बाहर है वही भीतर है। शरीर उत्पन्न होता है, इसकी एक सत्ता होती है, ये बढ़ता है, परिवर्तित होता है, इसका क्षय होने लगता है और ये नष्ट हो जाता है। ये छह प्रकार की गतियां हैं। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं, नए परमाणुओं का निर्माण होना बंद हो जाता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता तो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु जहां से आई है वहां पहुंच जाता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है। हम कहते हैं ना शरीर पार्थिव है, ये शरीर पार्थिव है, मिट्टी का बना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों से बना है। अग्नि है हमारे भीतर, पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा, ये अग्नि तत्व का कार्य है। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं, 13 प्रकार की अग्नियां हैं। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, जब 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 शरीर की अग्नि शांत हो जाती है तब तब चिता की अग्नि जलती है, तब चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है। यज्ञ रूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वही तो अंधेरे को दूर कर देता है, अंधेरे को दूर कर देता है। सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का विज्ञान ही प्रकाश के पथ पर हमें गतिमान रखता है।
समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, ये जल तत्वों की भूमिका है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। आत्मा नष्ट नहीं होते, आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा क्यों नहीं नष्ट होती? क्योंकि आत्मा की कभी उत्पत्ति ही नहीं होती, आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेता, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। दृश्य शरीर का वही अदृश्य आधार है, जड़ शरीर का चेतन आधार है, विनाशी शरीर का अविनाशी आधार है। भौतिक शरीर का अभौतिक आधार है। तो समस्त ज्ञानों का आधार, सर्वाधार हमारे भीतर है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है। दूध में कहाँ है मक्खन, दिखलाई नहीं दे रहा। दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन भरा है। तिल में तेल है, युक्ति से प्रकट होता है, युक्ति से प्रकट होता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। क्योंकि परमात्मा ही आनंद रूप स्वरूप से हमारे भीतर स्थित है। कस्तूरी की सुगंधि वाला मृग ढूंढ रहा है बाहर, ये सुगंधि कहाँ से आ रही है, ये सुगंधि कहाँ से आ रही है। वो भटक गया है, जंगल ढूंढ रहा है, ये दिव्य गंध कहाँ से आ रही है। इस वृक्ष से तो नहीं आ रही, इन लताओं से तो नहीं आ रही, इन औषधियों से तो नहीं आ रही, ये सुगंधि कहां से आ रही है। झरने के पास जो औषधियां हैं, जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, वहां से ये सुगंधि तो नहीं आ रही। चलो जरा देख लूं, जरा समझ लूं, जरा जान लूं, ये सुगंधि कहां से आ रही। वो भटक गया है, वो ढूंढ रहा है, जंगल जंगल की खाक छान रहा है। यहां देखूं, कस्तूरी है आप नाभि में, कस्तूरी है आप नाभि में, बाहर खोज मृगहारा। ये जो सुगंधि आ रही है, ये जो दिव्य गंध आ रही है, वो कहीं बाहर नहीं है। वो दिव्य गंध तो उसके अंदर ही निहित है, उसके अंदर ही निहित है। इसका अनुभव नहीं हो रहा है।